गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अक्षय है और मैं आप सब लोगों का द राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे जो ऑक्सीजन को प्योरीफाई करने में बहुत हमारी सहायता करता है। जी हां, इस पौधे को अगर आप अपने घर में लगाएंगे या घर के बाहर रखेंगे तो इससे जो इसकी जो क्वालिटी होती है इस पौधे की, ये क्या करता है, ये जो हवा होती है आसपास की, इस हवा को साफ़ करता है। तो दोस्तों, इस पौधे का नाम है सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये ड्रेसीना की एक वैरायटी है। ड्रेसीना की एक वैरायटी है दोस्तों। इसके अलावा 120 वैरायटीज़ और हैं ड्रेसीना की, जिसमें पेड़, झाड़ियाँ, पौधे सब कुछ आता है। उसमें से एक वैरायटी ये सॉन्ग ऑफ इंडिया की होती है, जिसमें आप ये देख सकते हैं इतनी ब्यूटीफुल तरीके से ये लीव्स आती हैं। यहाँ पे ये टेक्सचर देखिए और ये किस तरीके से एकदम एक शेप लेके इसकी जो लीव्स आ रही हैं। तो दोस्तों, आज हम इस पौधे के बारे में बात करेंगे, इसकी केयर टिप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इसको कहाँ से लेके आया जा सकता है। अगर आप इसको कटिंग से लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं कि नहीं, इसको पानी कैसे देना है और कब देना है, इसमें इसको सॉइल कैसी पसंद होनी चाहिए, इस पौधे की लोकेशन कैसी होनी चाहिए, इस पौधे को कहाँ रखना चाहिए आपको, और इसमें फर्टिलाइज़र कैसे देना है और कब कब देना है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं बात बताना चाहूँगा आपको कि ये मैं ले के कहाँ से आया। एक लोकल प्लांट नर्सरी से मैं लेके आया दोस्तों। तकरीबन मुझे 80 रुपये का ये पौधा पड़ा, 80 रुपये का मैं पौधा लेके आया हूँ। और अगर आप इसको कलम से भी लगाना चाहते हैं, अगर आप इसको कटिंग से प्रोपोगेट करना चाहते हैं तो आप इसको कटिंग से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये कटिंग से आराम से लग जाता है। आप यहाँ से इसकी कटिंग लेके पौधे के ऊपर से, वो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा कि उसमें इसको कटिंग से कैसे लगाया जाए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसको मिट्टी कैसी पसंद होती है। मिट्टी दोस्तों इसकी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए और पोरस मिट्टी होनी चाहिए, सॉगी नहीं होनी चाहिए, जैसे दलदली मिट्टी नहीं बनानी है आपको आपने इसकी। और इसका जो राइट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है मिट्टी में, वो मेंटेन्ड होना चाहिए। ना तो मिट्टी ज़्यादा सूखी हुई होनी चाहिए, ना तो मिट्टी ज़्यादा गीली होनी चाहिए, बिल्कुल एक बीच में जो मॉइस्चर अमाउंट होता है मिट्टी में, आपको वो मेंटेन करके रखना है। वही पौधे के लिए, इस पौधे के लिए सबसे अच्छी कंडीशन होती है सॉइल की। ये तो हो गई दोस्तों सॉइल की बात। अब हम बात करते हैं कि इसको पानी कैसे देना है और पानी कब कब देना है। दोस्तों, जैसे गर्मियों का मौसम अभी चल रहा है दिल्ली में, तो आप इसको 2 दिन में एक बार पानी दे सकते हैं, जिससे इसकी मिट्टी मॉइस्ट रहेगी। लेकिन आप इसको दिन में 2 बार पानी का छिड़काव कर सकते हैं। पत्तियों को आप अच्छे से पानी का शॉवर दीजिए, अच्छे से नहलाएं इस पौधे को पानी से, ताकि इसकी जो लीव्स हैं वो लीव्स पे मॉइस्चर मेंटेन रहे, इसके आसपास कूलनेस मेंटेन रहे, क्योंकि इसको मॉइस्चर बहुत पसंद होता है दोस्तों। और उसी में इसके ये जो शेड्स होते हैं लीव के, ये उसी तरीके से अच्छे तरीके से और शेड्स दिखाता है अपने इसमें, अपने पत्तियों में। तो ये हो गई पानी की बात दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस लोकेशन में रखा जाए। दोस्तों, इस पौधे को इनडायरेक्ट लाइट बहुत पसंद होती है। जी हाँ, मैं धूप की बात नहीं कर रहा दोस्तों। आप इस पौधे को अगर रोशनी में रखेंगे तो ये जो लीव्स हैं इसकी अलग अलग टेक्सचर दिखाएंगी, जैसे ये देख सकते हैं आप, येलो और ये ग्रीन का टेक्सचर आ रहा है। इसको इनडायरेक्ट लाइट पसंद है, इसको डायरेक्ट धूप में बिल्कुल नहीं रखना आपने, और धूप में वैसे रखना ही नहीं है आपने, इसको रोशनी में रखना है। छाया में रहेगा ये, लेकिन वहाँ पे इतनी रोशनी आए कि उस पर थोड़ी बहुत रोशनी पड़ती रहे, तो वो जो कंडीशन है इस पौधे के लिए सबसे अच्छी होती है दोस्तों। और इस पौधे की जो ग्रोथ होती है कैसे गुच्छे के फॉर्म में होती है, ये देख सकते हैं। जैसे आप इसकी, जैसे ये लीव्स हैं, ये गुच्छे के फॉर्म में आगे आ रही है और एक ये स्टार बन रहा है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये स्टार। तो ये इसी तरीके से पौधा ग्रो करता है। अब जब गर्मियाँ आ गई हैं दोस्तों, तो ये जो होता है इसका ग्रोइंग सीजन होता है, तो इसमें आप फर्टिलाइज़र की मैं अगर बात करूँ तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। हर 15 से 20 दिन में आप एक बार इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अब जैसे इस गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है, तो हर 15 दिन में आप कंपोस्ट डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, या गोबर की खाद भी दे सकते हैं। गोबर की खाद भी इस पौधे के लिए बहुत अच्छी होती है, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र आपने NPK कैसे देना है दोस्तों, वही 1 लीटर में आपने 1 से 1.5 चम्मच मिक्स करके, डाइल्यूट करके NPK एक डब्बे में पानी लेके यहाँ पे इसके नीचे ऐसे डाल देना है। और आपने गोबर की खाद कैसे डालनी है दोस्तों, आपने ऐसे मिट्टी को थोड़ा सा गुड़ाई करना है, गुड़ाई करके उसमें गोबर की खाद डाल देनी है, और गुड़ाई करके उस जो खाद आपने डाली है उसको मिट्टी से ऊपर भर देना है। तो मिट्टी, अगर आप खाद अच्छे से डालेंगे तो इसकी ग्रोथ में आपको चेंज दिखेगा। अगर आप देखना चाहते हैं दोस्तों, इसकी जो ये जो नीचे से है, यहाँ से इसकी न्यू बड्स आती हैं। इसकी ऊपर से कलियाँ नहीं आती दोस्तों, जैसे फूलों वाले पौधे में होता है। इसकी बड्स नीचे की तरह आती हैं, जैसे एलोवेरा नीचे की तरफ से उगता है, वैसे इसकी नीचे से नई बड्स आती हैं और नई शूटिंग स्टार्ट होती है जब ये
अभी तो छोटा है पौधा, खैर ये जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसकी नीचे से नई ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। तो ये थी हमारी वीडियो दोस्तों सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट के बारे में। अगर आपका इस पौधे के बारे में कोई भी सुझाव है या कोई भी सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में इस कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट डाल के पूछ सकते हैं वो सवाल मुझसे दोस्तों। मैं रेगुलरली क्वेश्चंस के आंसर देता रहता हूँ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों और परिजनों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए कीजिए। तो मैं आने वाले टाइम में और वीडियोस के साथ प्रस्तुत होऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। हैप्पी गार्डनिंग, हैव अ गुड डे, बाय।